मुरैना में 3 साल पहले अवैध देशी शराब से 21 लोगों की मौत का बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया था। इसके बाद आनन फानन में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आबकारी विभाग ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की और इलाके में अवैध रूप से देसी शराब बनाने के कई ठिकाने और बेचने वाले लोगों को पकड़ा गया। प्रदेश में बहस छिड़ी कि अवैध देसी शराब बनाने वाले और बेचने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, पर 3 साल के बाद इस जहरीली शराब कांड के इलाके में लगातार अवैध रूप से देसी शराब बनाने और बेचने का कारोबार धड़ल्ले से जारी है, जिसके चलते कभी भी फिर से जहरीली शराब कांड जैसा हादसा फिर से हो सकता है। ना तो जिला प्रशासन ने उसे कांड के बाद कोई सबक लिया और ना ही पुलिस विभाग उस कांड के बाद जागा है। इस अवैध कारोबार का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। इसका सबूत खुद पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही कार्रवाई में सामने आता है। बागचीली थाना पुलिस ने अवैध रूप से बनाई गई देसी शराब की 35 पेटी ले जाते हुए एक कर को जब्त किया है। इसमें पुलिस ने 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए हैं। बगचीनी थाना प्रभारी की माने तो मुखबिर के द्वारा दी गई सूचना पर उन्होंने नाकाबंदी की और स्विफ्ट कर में ले जा रही 35 पेटी देसी शराब सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो यह शराब कैलारस की तरफ से लाई जा रही थी, पर इस शराब को कहां खपाया जाना था और यह कहां से बनकर आई, इस पर पुलिस अभी जांच की बात कह रही है। हम आपको बता दें कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी लगातार पुलिस अवैध शराब पर कार्रवाई कर रही है, पर यह कार्यवाही केवल शराब को पकड़ने तक ही सीमित है। यह शराब कहां बनाई जाती है, इसको कहां ले जाना था, आज तक पुलिस इन किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे पाई और न ही पुलिस की कार्रवाई शराब पकड़ने से आगे बढ़ पाई है। इससे यह तो साफ है कि जिले में शराब माफिया धड़ल्ले से नकली और अवैध शराब का कारोबार कर रहा है, जिससे कभी भी 3 साल पहले का हुआ हादसा मुरैना में फिर से दोहराया जा सकता है। तो जरूरत है कि हादसा होने के बाद जागने वाला प्रशासन और पुलिस हादसे से पहले जागे और इस अवैध कारोबार को रोकने का प्रयास करे। उसको पकड़ा गया है और उससे 35 पेटी शराब बरामद हुई है। इसकी कीमत शराब की जो है वो अनुमानित लगभग 3,40,000 के करीब है और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, इसकी कीमत 4,00,000 रूपए है। इसमें मूल रूप से एक्चुअली 2 आरोपी पकड़े गए हैं, उनसे डिटेल में पूछताछ हो रही है कि ये लोग कहाँ से ला रहे थे। संभवतः ये लोग कैलारस तरफ से ये लोग अभी शराब लेकर के आ रहे थे, पर डिटेल उनसे पूछताछ के बाद